सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ज्वेल सीरीज अफेयर द सीरीज के एपिसोड 6 के पार्ट 1 के बारे में। तो जैसे कि एपिसोड 5 के आखिर में हमने देखा था, प्लैंक को एक से पता चलती है कि एक और वन शादीशुदा है और अब वन एक से डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि वो एक से प्यार नहीं करती। पर एक इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और वो किसी भी हालत में वन को अपने पास वापस चाहता था, और इसीलिए एक ने प्लैंक को भी वन से दूर करने के लिए अर्थ को प्लैंक से मिलवाता है ताकि वो प्लैंक को उससे प्यार करने में मजबूर करे और प्लैंक वन से दूर हो जाए और वन अकेली हो जाए और एक के पास वापस आ जाए। क्योंकि एक के मुताबिक वन और प्लैंक के बीच का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही गहरा है और प्लैंक के साथ होने की वजह से ही वन को एक से दूर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हालांकि एक को अभी भी ये नहीं पता है कि वन प्लैंक से प्यार करती है और उसके कहने पर ही वन ने एक से शादी किया था। एक को तो यही लगता है कि वन किसी लड़के से प्यार करती है जिसके बारे में अगर एक को पता चलेगा तो वो उसको मार डालेगा। अब प्लैंक वन की शादी के बारे में जानकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो यही मालूम था कि वन और एक बॉयफ्रेंड्स थे और उन दोनों के साथ में नहीं बना, इसीलिए वन ने एक से ब्रेकअप कर लिया। तो ये सब पता चलने के बाद प्लैंक स्टंट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो इसके बारे में क्या सोचे और क्या करे। तो जब वन घर वापस आती है तो प्लैंक उससे पूछती है, तुम्हारा और एक का शादी हो चुका है और तुम अब उससे डिवोर्स लेना चाहती हो क्योंकि तुम उससे नहीं मुझसे प्यार करती हो। अब प्लैंक के मुँह से ये सब बातें सुनकर वन घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वन को उसके और एक के शादी के बारे में कुछ भी पता चले, और यही कारण था कि वन प्लैंक को एक से दूर रखना चाह रही थी। वन प्लैंक को समझाने की कोशिश करती है जैसे प्लैंक सोच रही है वैसे कुछ भी नहीं है, पर वन की इस बात से प्लैंक को गुस्सा आ जाती है और वो वन से कहती है, कैसा नहीं है वन, तुमने एक से शादी कर ली और अब तुम उसे डिवोर्स देना चाहती हो, पर तुमने इन सब के बारे में मुझे नहीं बताया, क्यों किया तुमने ऐसा वन। अब प्लैंक की बात सुनकर वन को लगता है कि वो अब सच्चाई प्लैंक से नहीं छुपा सकती, इसलिए वो वन के करीब जाकर उससे कहती है, तुम जानती हो मैं एक से प्यार नहीं करती और जब से मैंने तुम्हें फिर से देखा है तब से मैंने पीछे मुड़कर देखने के बारे में नहीं सोचा। इतना कहकर वन प्लैंक को किस करने की कोशिश करती है, पर प्लैंक वन को अपने से दूर धक्का देकर कहती है, हम फ्रेंड्स हैं वन, हम ऐसे नहीं कर सकते। इस पर वन कहती है कि तो क्या हुआ, हम ऑलरेडी बहुत बार लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अब वन की ये बात सुनकर प्लैंक को गुस्सा आ जाती है और वो वन से कहती है, मुझे तुम्हारे लाइफ में वापस आना ही नहीं चाहिए था। और ये कहकर प्लैंक वन का हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है, पर वन ऐसा नहीं चाहती थी इसलिए वो प्लैंक को खींचकर सोफे पर गिरा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और प्लैंक को किस करने जाती है। पर प्लैंक वन को फिर से खुद से थोड़ा सा दूर करके कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं किसी के बीच में थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहती। पर वन प्लैंक की किसी भी बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी और वो किसी भी हालत में प्लैंक को अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए वो प्लैंक से कहती है, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है प्लैंक। वन की बात सुनकर प्लैंक उससे पूछती है कि वन किस प्रॉमिस की बात कर रही है। तो वन कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे वो दोगी। इस पर प्लैंक कहती है, मुझे याद है, पर तब की और अब की बात बहुत अलग है, तब मेरे पास सब कुछ था इसलिए तुम जो भी चाहती थी मैं वो तुम्हें दे सकती थी, पर अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो प्लैंक की बात सुनकर वन उससे कहती है कि वो चीज़ अभी भी तुम्हारे ही पास है जो मुझे चाहिए। अब वन की ये बात सुनकर प्लैंक हैरान होकर वन की तरफ देखने लगती है। तो प्लैंक को ऐसे हैरानी से अपनी तरफ देखते हुए देखकर वन उससे कहती है, मुझे तुमसे जो चाहिए वो तुम हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए प्लैंक। और इतना कहकर वन फिर से प्लैंक को किस करती है। अब वन की बात सुनकर प्लैंक क्या करेगी। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।